संघ लोक सेवा आयोग ने 2019 की फाइनल परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। इसमें हरियाणा के प्रदीप सिंह ने ऑल इंडिया टॉप किया। ऑल इंडिया में तीसरे नंबर पर रही प्रतिभा वर्मा ने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। सभी चयनित 829 उम्मीदवारों से यूपीएससी ने कहा कि मार्क्स 15 दिन बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के नतीजों में पहला स्थान हासिल करने वाले प्रदीप सिंह मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत में रहते हैं। इनके पिता किसान हैं और पिछली बार यूपीएससी की 2018 की परीक्षा में उन्हें 260 रैंक हासिल हुई थी। इस बार उन्होंने यूपीएससी टॉप कर पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। पिता सुखवीर सिंह ने लोकमत से खास बातचीत में कहा कि बेटे की इस उपलब्धि पर उन्हें नाज है। उन्होंने कहा था कि बेटा अफसर बने ये तो सपना देखा था, लेकिन अफसर बनने की परीक्षा में अव्वल आ जाए ये बहुत ही गौरव की बात है। मूल रूप से तेवड़ी गांव के रहने वाले प्रदीप अपनी सफलता का श्रेय पिता की मेहनत और उनके विश्वास को देते हैं। प्रदीप ने लोकमत से कहा कि ये उनका चौथा प्रयास था। प्रदीप ने कहा कि पिछली बार रैंक 260 थी, इस बार सोचा था कि उसमें सुधार होगा, लेकिन टॉप हो जाएगा ये सपने से बढ़कर सच होने जैसा लग रहा है। प्रदीप ने दो टूक कहा कि किसान परिवार में परवरिश होने के कारण शुरू से ही ये सोच रही कि गरीबों और किसानों के लिए जीवन में कुछ कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि ये एक रैंक आ जाएगा, काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। प्रदीप, ये आपका चौथा अटेम्प्ट आप बता रहे हैं, इससे पहले कहीं आप जॉब करते हैं, कोई और एग्जाम आपने दिया हो? इससे पहले मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था एज इंस्पेक्टर, और लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था। तो उसके बाद मैंने अभी ज्वाइन करा हुआ है यूएस कस्टम्स एंड एक्साइज एंड आई एम अंडर ट्रेनिंग एट नासेन फरीदाबाद। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था तो तब मैंने थोड़ा हेल्प कर लिया था कोचिंग का, बट अभी पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स थे, उनका सपोर्ट रहा, उनके साथ हम प्रैक्टिस करते थे, और जॉब के साथ थोड़ा मैं भी साथ में जॉब नहीं कर रहा था, उसके साथ मैं मेरी जॉब अलाउ नहीं करती थी, मैं कोचिंग वगैरह कर, सेल्फ स्टडी ही था मैं, और साथ में जो फ्रेंड्स तैयार कर रहे थे उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। प्रदीप फिलहाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में सेवारत हैं। प्रदीप ने कहा कि वो अपना गृह राज्य हरियाणा कैडर लेना चाहते हैं, क्योंकि पिता साधारण किसान हैं, मेरा परिवार हमेशा सुख दुख में साथ खड़ा रहा है और परिवार ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वहीं प्रदीप के पिता सुखवीर ने कहा कि मैंने हमेशा प्रदीप से कहा कि आगे बढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, उसने दिन रात मेहनत की और नतीजा सामने है। मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए तेवड़ी गांव छोड़ 20 साल पहले सोनीपत आकर रहना शुरू कर दिया था, उस समय का निर्णय आज सही साबित हुआ। फिलहाल प्रदीप के घर लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जहां खुशी और जश्न का माहौल है। वहीं प्रदीप सिंह ने कहा कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आएगी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार और दोस्त काफी खुश हैं। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप खुद पर भरोसा रखें। अगर आपको कभी लगे कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो उस कारण को याद करें जिसके लिए आपने तैयारी शुरू की थी। अपने प्रेरणा स्रोत के टच में रहें। मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। एक बार जब मैं जॉब करता था तो मुझे लगा कि मैं जॉब करते हुए नहीं कर पाऊंगा, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने दोबारा तैयारी शुरू की। मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ मेरे पिताजी का है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।